अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक पेज नंबर 34 के प्रॉब्लम नंबर 2 को यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें पूछा जा रहा है हाउ मेनी एटमोस्फेयरिक प्रेशर कोरस्पोंड टू 950 टोर। कितना एटमोस्फेयरिक प्रेशर होगा अगर हम 950 टोर को एटमोस्फेयरिक प्रेशर में कन्वर्ट करें, तो 950 टोर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट करें तो एटीएम में क्या वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ डेटा बनाया है, डेटा में हमने लिखा है प्रेशर 950 टोर है। रिक्वायर्ड में हमसे पूछा जा रहा है कि प्रेशर हमें मालूम करना है, तो सोल्यूशन की हम बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 760 टोर जो है वो बराबर होता है 1 एटीएम के। ये चीज़ हमने पिछले न्यूमेरिकल में, पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि 760 टोर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होते हैं, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो अगर हम जानना चाहें कि 1 टोर कितने एटीएम के बराबर है, तो लिहाजा हमें मैथ के रूल के हिसाब से 760 को दोनों साइड पे डिवाइड करना होगा। तो 760 को 760 से डिवाइड करेंगे और यहाँ 1 को हम 760 से डिवाइड करेंगे, तो 760 डिवाइडेड बाय 760 बराबर हो जाता है 1 टोर के। तो 1 टोर बराबर है 1/760 एटीएम के, जबकि सवाल में हमें जो टोर में वैल्यू जो दी गई है वो 950 दी गई है। लिहाजा हम 1 को 950 से मल्टीप्लाई करेंगे और 950 को हम दूसरी साइड पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 950 से मल्टीप्लाई करने पे ये बन जाता है 950 टोर, और यहाँ हम 950 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1.25 एटीएम, जो कि हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर है। तो 950 टोर जो है वो बराबर होता है 1.25 एटीएम के। अगर आपको हमारी ये वीडियो समझ में आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है। याद रहे, हमारी पूरी कोशिश है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के तमाम सवालात को हम वीडियो की शक्ल में एक्सप्लेनेशन अपलोड करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।